बहरहाल मुझे शर्मिला की तरफ, जी ठीक है, मुझे बैरिस्टर साहब और शर्मिला फारूकी की तरफ आने दीजिए। शर्मिला फारूकी साहब, कल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अंदर एक बात को दोहरा रही है। वो ये कह रही है पीटीआई के लोग कि हम एक बुनियादी तौर पे मगरबी तर्ज की जमहूरी सियासी जमात हैं, जहाँ पे लोगों की अपनी ओपिनियन भी होती है, जहाँ इख्तलाफ राय का खुल के इजहार किया जाता है। हमारे यहाँ डिसेंट है, हमारे यहाँ हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने सामने अपनी नुक्ताचीनी को बर्दाश्त कर लेता है। ये कोई डिनेस्टिक पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन की तरह, जहाँ लोग नवाज शरीफ साहब से और आसिफ अली जरदारी से डर के रहते हैं, जहाँ लोगों को उनके सामने या उनके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं होती है। क्या इस एक्सप्लेनेशन से आप एग्री करती हैं और आपकी पार्टी दर हकीकत एक डिनेस्टिक पार्टी है जहाँ कोई बोल ही नहीं सकता? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब आप एक सियासतदान होते हैं और एक सियासी जमात से मुंसलिक होते हैं, और बिलखसूस जब आप एक काबीना का हिस्सा भी होते हैं, तो आपकी कोई इनफरादी राय नहीं होती है। और ख़ास तौर से उस वक्त जब आप पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में कमेंट कर रहे होते हैं। एक वजीर वैसे ही जो बात करता है उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और संजीदगी के साथ करनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब, मैं जहाँ तक समझती हूँ, उन्होंने हकायक पे मबनी बात की। इनकी जमात में इस किस्म के इशूज आज से नहीं है, शुरू दिन से हैं। हम भी सुनते आते हैं कि जनाब एक जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है, शाह महमूद कुरैशी साहब का ग्रुप है, फिर हम ये भी सुनते थे कि मरहूम नईमुल हक साहब, वो भी, उनका भी एक ग्रुप था। तो ये हकीकत सिर्फ ये है कि फवाद चौधरी ने बाहर आके मीडिया के सामने ये बात कर दी। धड़े पार्टीज के अंदर होते हैं, पॉलिटिक्स भी होती है, कंपटीशन भी होता है, लेग पुलिंग भी होती है, लेकिन जिस हद तक पीटीआई में होती है और नहीं, तो आप फिर मलिका बुखारी को सपोर्ट ही कर रही हैं ना? वो भी यही कह रही हैं, धड़े भी होते हैं, ग्रुपबंदी भी होती है, लोगों की डिफरेंट ओपिनियंस भी होती हैं। आप ये भी कह रही हैं कि फवाद चौधरी जो कुछ कहा सही कहा, गलत भी कुछ नहीं कहा? इस हद तक नहीं होती कि आप पार्टी के स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएं और आप पार्टी की जो लीडरशिप है उसको नुकसान पहुंचाएं। तो फवाद चौधरी ने फिर नुकसान पहुंचाया? बिल्कुल नुकसान पहुंचाया। इस वक्त जहां पर वैसे ही एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मुल्क में कोई काम कोई चीज भी अपने नहज पे नहीं जा रही है, ना चीनी है, ना आटा है, ना पेट्रोल है, ना गैस है, कोरोना वायरस से लोगों की अमवात हो रही है, लोगों के पास अस्पतालों में जगह नहीं है, ऐसे माहौल के अंदर तो इस किस्म की बात मैं समझती हूँ नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, और इस वक्त कैबिनेट से एक आवाज आनी चाहिए थी, वो ये होनी चाहिए थी कि हमने इस वबा का मुकाबला करना है, किस तरीके से करना है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है, क्या नेशनल स्ट्रेटजी है, एक कौमी यकजहती की आवाज आनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए, एक शख्स जो कोरोना में मुब्तला है या अच्छा शर्मिला राजा एक हस्पताल अच्छा में थोड़ा सा आगे मैं अगर चलूँ ना तो कि राजा रियाज साहब ने तो ये दावा भी किया है कि नेशनल असेंबली के अंदर पार्टी में 20-22 लोगों का एक फॉरवर्ड ब्लॉक है पीटीआई के अंदर। आप भी मेंबर हैं आखिर एक असेंबली की, कोई ऐसी इतला है आपके पीपल्स पार्टी के पास? देखिए, इनके बहुत से अपने लोग ही इनसे नाना है। नदीम अफजल चंद साहब जो है, हालांकि हमारी जमात से गए, वो छुट्टी लेके चले गए, वो वापस नहीं आने वाले। इसी तरीके से ऐसे बहुत से इनके अपने किसी धड़े की खबर है आपके पास? हो सकता है, व्हाई नॉट। पंजाब असेंबली में तो हम सुन रहे हैं कि 15 से 20। आज एक खबर ये भी थी कि पीपल्स पार्टी के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की है बीएनपी बलूचिस्तान जो नेशनल पार्टी है उनके धड़े के साथ मुलाकात की, जिसे सलीम मांडवे वाला हेड कर रहे थे। ये मुलाकात हुई है, इसकी खबर तो चलती रही है बीएनपी के साथ? देखिये, मैं तो इस बात की किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऐसी कोई इत्तला नहीं है। अच्छा, लेकिन देखिये, सियासी जमातों के अंदर डायलॉग भी होते हैं, सियासी जमात, लेकिन करेंगे क्या आप? नंबर्स तो आपके फिर भी पूरे नहीं होते, बीएनपी से मुलाकात करके क्या कर रहे हैं? अगर किसी को तहफ़ुज़ात हैं और वो अपनी शिकायत कहीं और जाके सुनाना चाहते हैं तो हम किसी को मना नहीं कर सकते, हम दरवाजे अपने बंद नहीं कर सकते। सियासत में डायलॉग जारी रहना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर ये नहीं सुनेंगे तहफ़ुज़ात अपने, चलिए जरा मुझे कोई और तो सुनेगा। जावेद अब्बासी साहब की तरफ आने दीजिए, बड़ी पेशेंस से। जावेद अब्बासी साहब, बड़ी तहमल से आपने ये सारी गुफ्तगू सुनी, पेशेंस से मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। ये बताइए कि ये जो एक सारी कश्मकश चल रही है गुज़श्ता एक हफ्ते से और फिर ये गुज़श्ता 48 घंटों से फवाद चौधरी साहब के बयान के बाद, आपको लगता है कि यहाँ पीटीआई के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। फवाद चौधरी ने जो बात की है उससे पहले मेंगल साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की नेशनल असेंबली में और वो इत्तेहाद छोड़ के गए। उसके अगले दिन सेनेट में
मिस्टर सैफ ने बड़ी बातें की हैं जो उनका तलक एमकेएम से साथ, वो बातें बड़ी सुनने वाली थी। और मैंने उसी वक्त उठ के कहा था सेनेट में, मैंने कहा कि मुझे अब लग रहा है कि ये कोई तब्दीली की आवाज़ चल पड़ी है। मैंने उसी सेनेट में भी कहा था कि मैंगल साहब की तकरीर के बाद और बैरिस्टर सैफ की तकरीर के बाद अब मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ रुकने वाली नहीं है। फवाद चौधरी ने एक चार्जशीट पेश किया, उसने एक बात नहीं, शाहजहान बुख्ती को भूल गए आप? नहीं, मैं वो जो लोग अभी बैठ में उसको, उस पर भी मैं आ रहा था, उन्होंने भी की, लेकिन चूंकि ये बड़ी जमातें जो दो थी जिनके बड़ी एतहादी थी इनकी, और ये जो फवाद चौधरी साहब ने बात किया उसने चार्जशीट किया है, उसने बात सिर्फ नहीं की, उसने कहा कि हम डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं, अभी हमारे पास वक्त नहीं बचा, डिलीवर करने में इसलिए नाकाम हो गए। उन्होंने वजह बताई है कि हमारे अंदरूनी इतने झगड़े हैं कि हम उन इशू पे तवज्जो ही नहीं दे सके जिस पे इमरान खान ने कौम से वादा किया था और जिस पे वोट लेके आए थे, लिहाजा उन इशू पे हम तवज्जो देने के काबिल ही नहीं रहे। फिर साथ ही उन्होंने कहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उन्होंने कहा कि इमरान खान फेल हो गए एक अच्छी टीम बनाने में, ये चूंकि कैप्टन थे, कैबिनेट इन्होंने अच्छी बनानी थी, ये अच्छी कैबिनेट उतार नहीं सके, लिहाजा जो अवामी मसाइल थे, जो लोगों के बड़े मसाइल हैं, उन्हें हम हल करने में नाकाम हो गए। कोशिश कर रहे हैं कोई धड़ा बनाने की, पीएमएलएन कोशिश कर रही है किसी पीटीआई के अंदर एक धड़ा बन जाए। डॉक्टर साहब, पीटीआई के होते हुए किसी और को काम करने की अल्लाह के फजल से जरूरत नहीं है, ये अपने लिए खुद ही ये कार्रवाई अपने लिए करने के लिए बड़े तैयार बैठे हुए हैं, हमने इनको गिराने का कुछ नहीं कहा था ये पर। लेकिन फवाद की ये बातें देखें कि क्या फवाद ने सच कहा है, अगर सच कहा है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये राजा रियाज साहब की बातें सुने, बाकी उनके जो लोग पार्टी को नुकसान पहुंचाए, नहीं नहीं बात क्यों, लेकिन शर्मिला कहती है उन्होंने अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ था, क्या उनको करना चाहिए था ये? देखिए ये मैंडेट पार्टी लीडर्स का है, अगर तो बात सच है जिस तरह बखारी साहिबा कह रही है, और मुझे बड़ा एहतराम है बखारी साहिबा का, वो कहती है कि सच्ची बातें थी, सच्ची बातें सामने रखी है और हम उसे बर्दाश्त करेंगे, इसका मतलब है कि वहां कोई बोल इसलिए नहीं सका कि उन्होंने जो बातें की वो सच है। अगर सच ना होती तो आपका क्या ख्याल है कि कैबिनेट का वजीर इतने बड़ी बातें करके आज कैबिनेट में बैठा हो सकता था? ये कभी मुमकिन हो सकता है किसी भी कैबिनेट में? नहीं तो आपकी पार्टी में तो कभी किसी ने नहीं की ऐसी बात। हमारी पार्टी में कभी ऐसा हुआ नहीं है, कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ है, सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस लोग उतरे हैं, सबसे बेहतरीन डिलीवर किया गया। आप हमारा, मैं फिर आता हूँ आपके पास, मैं फिर आता हूँ आपके पास सरण साहब, मैं बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल, नहीं नहीं मैं जरा मलिका को इस पे ले आऊं ना, फिर मैंने ब्रेक से पहले आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। मलिका बुखारी साहब, ये जो अचानक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात राजा रियाज साहब ने छोड़ दी है, बाकी सब भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, कोई आपको नजर आ रहा है क्या आपकी पोजीशन है? कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है सेंटर में या पंजाब में आपकी पार्टी में? देखिए डॉक्टर साहब, देखिए ख्वाहिशात पे कभी कदगन नहीं लग सकती। ये मेरे मोहतरम कॉलीग हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, उनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है, वो ये चाह जरूर सकते हैं, ख्वाहिश भी कर सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 5 साल कंप्लीट ना करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर कोई एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए, और जैसे ये कहते जा रहे हैं कोई इन हाउस चेंज आ जाए, लेकिन मुझे इनको बताना पड़ेगा कि ये सब ख्वाहिशात पूरी नहीं होगी, बिकॉज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे मेंबर आने पार्लियामेंट, हमारे सारे इत्तेहादी इमरान खान साहब की क्यादत में मुत्तहिद है। देखिए इख्तलाफ होता है, इख्तलाफ क्यों होता है मैंने आपको बताया है, और आपने भी निशानदेही की है कि मौरूसी सियासत के मुतहम्मिल नहीं है, हम मौरूसी सियासत को फरोग नहीं देते, जहां पे मौरूसी सियासत नहीं होती वहां इख्तलाफ राय जरूर होता है और हम उसको बर्दाश्त करते हैं, लेकिन उसके बाद सब वजीर आजम इमरान खान की क्यादत में यकीन रखते हैं। जहां तक एलायंस की बात है, देखिये बीएनपी मेंगल और के साथ मुलाकात हुई, परवेज खटक साहब की मुलाकात हुई, साथ में असद उमर साहब की भी मुलाकात हुई, और इश्यूज को रिजॉल्व कर रहे हैं। देखिए उनका बुनियादी इशू क्या है कि मुआहिदों के ऊपर हमने अमल नहीं किया। देखिए हम उनकी सारी तरजीहात को मानते हैं, उनके तहफ़ुज़ात को भी मानते हैं, जो रफ्तार है मुआहिदे पूरे होने की उसके ऊपर इख्तलाफ है, और इंशाल्लाह हम उनके जो इख्तलाफात हैं उनको हम समझेंगे, उनको दूर भी करेंगे, और आप देखेंगे कि वापस तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद में आएंगे और ये पार्टी अपने शूर को आगे बढ़ाएगी अपने मेंबरान के साथ और अपने एलाइज के साथ भी। अच्छा जावेद अब्बासी साहब, मैं बड़ी तफसील से, मैं एक ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, मैं जावेद अब्बासी साहब और फारूकी साहब, मैं बड़ी तफसील से आपके लिए एक सवाल रख के जा रहा हूं ब्रेक के बाद, और वो सवाल ये है कि अगर आप लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना भी लेंगे 20 लोगों का, तहरीक इंसाफ के पास 186 लोग हैं मखलूत हुकूमत के, उसमें 26 जो हैं वो डिफरेंट माइनॉरिटी पार्टीज़ के हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, 160 तो तकरीबन उनके अपने हैं,
पीएमएलएन के पास 84 लोग अपने हैं, पीपीपी के पास 55 अपने हैं, फिर एमएमए के कुछ लोग हैं, मिला के सारी ऑपोजिशन जो है और एएनपी वगैरह मिला के कोई मेरा ख्याल है 156 लोग बनते हैं। अगर कोई सारी पार्टीज भी पीटीआई को छोड़ दें, फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन जाए, तो हुकूमत फिर भी बड़ी मुश्किल है बनानी, अगर बन जाएगी तो सस्टेन नहीं हो सकती, उसके अंदर 6-7-8 किस्म के धड़े होंगे, तो फिर क्या हासिल करेंगे कोई फॉरवर्ड ब्लॉक से, या ये जो सारी बहस हो रही है इस पर पीटीआई को कितना एक प्रैक्टिकली खतरा है, इस पर ज़रा बात करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा जावेद अब्बासी साहब का भी और शर्मिला फारूकी साहबा का भी इस पर हम एक परस्पेक्टिव ले लें, पीपीपी का भी, पीएमएलएन का, आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। आपको याद होगा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने शर्मिला फारूकी साहबा के लिए और जावेद अब्बासी साहब के लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। जावेद अब्बासी साहब, बहुत क्विकली, ये जो नंबर्स गेम है ये तो फिर भी पूरी नहीं होती, अगर पीटीआई की हुकूमत फारग भी हो जाए तो कोई हुकूमत बनते नजर नहीं आती। देखिए डॉक्टर साहब, दो तरह के पीटीआई में लोग हैं, एक बखारी साहबा की तरह इन्होंने पीटीआई में ही रहना है, पीटीआई के साथ है, उस एजेंडे और उस आइडियोलॉजी से भी शायद इत्तेफाक करती हूँ। एक वो लोग हैं जो पीटीआई को हुकूमत बनाने के लिए आखिरी दिनों में लोग शामिल किए गए थे और जमात में भी आए थे, जोर से लाए गए थे, या खुद आए थे, या उनको लग रहा था कि हुकूमत की नहीं आनी है, वो किसी वक्त भी किसी टाइम भी आप देखेंगे। नहीं नहीं, आप फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं ना, कितना बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा अब्बासी साहब। ओहो, मेरा ख्याल है कि मैं भी कुछ नहीं कह सकता, 20 का 25 का 30 का। मैंने कहा कि हम ना गिरा रहे हैं, ना हम फॉरवर्ड ब्लॉक का इंतजार कर रहे हैं, ना हमारा किसी से रब्ता है, ना हम ये बात कह रहे हैं कि हम हुकूमत गिराने जा रहे हैं, हमारा ये मकसद ही नहीं है।